नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 30 जून। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर सिवान जिले के महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के समीप बुधवार की दोपहर बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक ज्वेलरी दुकान में भीषण आगजनी की घटना हो गई। इस घटना में तकरीबन 6 लाख रुपए के संपत्ति जलकर राख हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना के संबंध में MK ज्वेलरी एवं बर्तन भंडार के मालिक मुन्ना प्रसाद सोनी ने बताया कि मंगलवार की रात अपनी दुकान में बैटरी से चलने वाली बाइक को चार्ज में लगाकर दुकान को बंद करके घर चला गया था। बारिश की वजह से बुधवार की दोपहर तक दुकान पे आई नहीं। इसी दौरान किसी के माध्यम से उन्हें फोन पर जानकारी दी गई कि उनकी दुकान में आगजनी की घटना हुई है। घटना की जानकारी पाकर बारिश में भीगते हुए वो अपने दुकान पहुंचे। दुकान खोला तो देखा कि सारा सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित ने बताया कि सोमवार की रात अपनी चार्जेबल बाइक को चार्ज में लगाकर चले गए थे। इसी दौरान बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा दुकान में आगजनी की घटना हो गई। आगजनी की घटना में दुकान में स्कूटी बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। इसके अलावा दुकान में रखे ज्वेलरी भी जलकर राख हो गई। अगली खबर, बिहार में कोरोना संक्रमण का ग्राफ फिर तेजी से बढ़ने लगा है। मंगलवार को राज्य में 211 नए संक्रमित मिले। तीसरी लहर के बाद पहली बार यह आंकड़ा 200 के पार पहुंचा। इस दौरान दो मरीजों की मौत भी हुई। जानकारों के मुताबिक बिहार में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दी है। राजधानी पटना में संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। मंगलवार को यहां 124 नए केस मिले। बेउर जेल में 31 कैदी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बिहार में मंगलवार को जांच के दौरान 211 नए संक्रमितों की पहचान हुई। वहीं दो लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राज्य में संक्रमण दर अभी 0.16 की फीसदी है। बीते 24 घंटों में भीतर पटना में 124, मुजफ्फरपुर में 13, रोहतास में 11, भागलपुर में 10, बांका में 8, मुंगेर में 6, मधुबनी में 5 और दूसरे राज्यों में आए 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अरवल, गया, कैमूर, कटिहार, नालंदा, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सिवान, सुपौल में 1-1, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, किशनगंज में 2-2 और सहरसा में 3 नए संक्रमित पाए गए। अगली खबर, दिवाली और छठ से पहले दिल्ली समेत देश के विभिन्न शहरों में बिहार आने वाली ट्रेनों में सीट की मारामारी रहती है, मगर अभी बिहार आने वाली अधिकतर ट्रेन 4 महीने पहले ही फुल हो गई है। आलम यह है कि अधिकतर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 400 से 500 तक पहुंच गई है और कुछ ट्रेनों में बुकिंग तक बंद हो गई है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि यात्री ट्रेन चलने के तारीख से 120 दिन पहले बुकिंग करा सकते हैं। इस साल दिवाली का त्यौहार अक्टूबर महीने में है, मगर स्लीपर और AC 3 क्लास में सभी बर्थ हो चुके हैं। इससे दिवाली और छठ के त्योहार पर लोगों को घर आने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली के चलते वाली बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में मंगलवार को टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है। इससे गाड़ी के स्लीपर क्लास में वेटिंग लिस्ट 300 के पार गई है। नई दिल्ली जयनगर के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट 487, वैशाली एक्सप्रेस में वेटिंग 404 है। यात्रियों के पास अभी तत्काल कोटा के तहत टिकट बुक करने का विकल्प रहेगा, मगर उनके भी सीटें के पीछे हजारों यात्री जहद के दिखेंगे। हालांकि रेलवे त्योहारों में सबसे पहले कुछ स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे, इससे यात्रियों को दूसरी ट्रेनों में टिकट बुकिंग की सुविधा मिल जाएगी। अगली खबर, 2 दिनों तक इन 17 जिलों में होती रहेगी मॉनसून की बारिश, वज्रपात का भी अलर्ट। मंगलवार रात से ही उत्तर पश्चिमी और मध्य बिहार में कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। राजधानी पटना, वैशाली समेत कई जिलों में भारी बारिश के कई इलाकों में जलजमाव तक की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं फिर से मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए आंधी, गरज, ठनका के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। जिन जिलों में चेतावनी जारी है उनमें बांका, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, देवघर, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली समेत 17 जिले शामिल है। इधर लगातार बादल गरजने और बिजली चमकने की वजह से वज्रपात का भी खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में 1-2 हवाओं के साथ सिस्टम सक्रिय है। चक्रवाती हवाओं का प्रवाह राजस्थान से बंगाल खाड़ी तक पूरी तरह से बना हुआ है, जिस कारण उत्तर बिहार से करीब 20 जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। फिलहाल बिहार के सभी हिस्सों में बारिश का सिस्टम सक्रिय है और इसके साथ ही आगे भी तेज हवा, वज्रपात और असर दिखाई देगा।